पन्ना जिले की ग्राम पंचायत सिरसी पटना में गंदगी का आलम यह है, राजनीतिक विरोधी सरपंचों के कारनामों की पोल अब जनता खोलने लगी। ग्राम पंचायत सिरसी पटना के ग्रामीणों ने विकास कार्यों की राशि हड़पने के सरपंच पर आरोप लगाए हैं। चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ग्रामीण जन आने वाले चुनाव में राजनीतिक विरोधी अपना पक्ष मजबूत करने के लिए पंचायत में भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण पवई जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिरसी पटना में दिखाई दिया, जिसमें ग्राम पंचायत के जागरूक और राजनीतिक लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत के लोगों को एकत्रित कर सरपंच सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम में न तो साफ सफाई की जा रही है, न ही किसी प्रकार के जनहितैषी कार्य हो रहे हैं। जब जनपद CEO चक्रवर्ती से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है, मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से चरणजीत सिंह मंजारा की रिपोर्ट। दरे चौधरी के यहाँ चबूतरा निर्माण की बात है, वो श्री गणेश तक नहीं, भूमि पूजन तक उसका नहीं हुआ है और ना ही किसी प्रकार का काम किया गया है। आपने सचिव से कहा या सरपंच से? इसमें सचिव से भी कहा गया, सरपंच से भी कहा गया, लेकिन जो सरपंच है वो भाजपा का पदाधिकारी है और अपने सत्ता का रोब हम लोग में झाड़ता है कि तुम्हें जहाँ शिकायत करना हो वहाँ करके आओ, हमें जो हम करेंगे जो मन में आएगा वही करेंगे। यही सब चीज़ें उनकी चलती रहती हैं और पिछले 5 सालों में जो भी पंचायत के अंतर्गत काम हुए हैं उन कामों में जो शासन का रेशो या एस्टीमेट कह लो आप या लेआउट कह लो, उसके अनुसार कोई भी काम, चाहे वो मनरेगा का हो, चाहे पुलिया निर्माण हो, चाहे CC निर्माण हो, चाहे नाली निर्माण हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे और भी किसी प्रकार के पंचायत के अंतर्गत जो काम आते हैं शासन लाभ देता है, काम देता है, वो आज तक साढ़े पाँच सालों में कोई काम सरपंच या सचिव या रोजगार सहायक के द्वारा सरकार के नियमों के मुताबिक आज तक नहीं किया गया। और ये लोग इतने बड़े भ्रष्ट हैं कि अपनी सीधे ऊपर सेटिंग किए हुए हैं कि यहाँ कोई कर्मचारी उनका नहीं आता कि कोई मूल्यांकन करने मौके पर आए या कोई गाँव वाले से कभी पूछने आए कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो इनने पवई या पन्ना जाके बता दिया उन लोगों से, वही वो मान लेते हैं और अपना कमीशन लेके इनका मूल्यांकन कर देते हैं। हमें ये बताया, कोरोना काल चल रहा है, इसको देखते ग्राम पंचायत के अंतर्गत कुल कितनी सफाई की गई या गंदगी नाली, इस पे कोई बुक किया गया क्या? आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं, कोरोना काल तो पिछले 6 महीने 7 महीने से भारत में है, विगत 5 वर्षों से आज तक यहाँ पंचायत के द्वारा गंदगी की सफाई तो नहीं की गई लेकिन गंदगी बढ़ाई गई है। जो आपने प्रत्यक्ष गाँव में देखा है, पूरी पंचायत में देखा है कि जबकि शासन से ऐसा कोई मद है कि जहां साफ सफाई के लिए प्रत्येक वर्ष मद आता है, कुछ पैसे आते हैं, उनका भी आज तक इस पंचायत के अंतर्गत साफ सफाई के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ग्राम स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये अभियान चलाया गया था, उसके अंतर्गत घूरे सफाई या नाली सफाई ऐसा कुछ किया गया क्या कभी? आपका सवाल अच्छा है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के अंतर्गत जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत अच्छी ठाना था, लेकिन इस पंचायत में जैसे लोग बैठे हैं भ्रष्टाचार करने वाले, उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो गंदगी फैलाई गई है और धरातल पर जो गंदगी है, उसमें कोई यहाँ तक कि शौचालय जो प्रधानमंत्री के द्वारा इस देश को दिए गए, पंचायतों को दिए गए, यहाँ शौचालयों की भी जांच यदि कराई जाए तो यदि इनके 25% शौचालय आज भी बने ही नहीं है, निर्माण कार्य नहीं हुआ है और उन्होंने किसी दूसरे की सीट उठा के और पर्दा लगा के फोटो खींचकर और उसका पैसा भी हितग्राही या स्वयं के लिए आहरण कर लिया है, ऐसी कई शौचालय हैं। आज आपने देखा कि हमारे गांव की यदि शौचालय उपलब्ध होते तो गांव के लोग बाहर शौच करने क्यों आते? लेकिन चीज वही है कि जो आज से 8 साल पहले गांव का आलम था, मोदी जी के पहले, वही आलम हमारे यहाँ का है। शौचालय सबके कागजों में बन गए हैं, जिनका बना भी है उनका उपयोग करने वाला कोई नहीं है। यहाँ शौचालयों का काम भी ठेकेदारी पे हुआ है, व्यक्तिगत हितग्राही को बनाने के लिए नहीं मिला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।